जिन बाइक राइडर्स को रोमांचक सफ़र पसंद है वो चूलगिरी की पहाड़ियों पर सैर का मज़ा ज़रूर लें। जयपुर में मौजूद इन पहाड़ियों के ऊपर जैन आस्था का प्रतीक एक विशाल मंदिर बना हुआ है। ये डेस्टिनेशन शहर के बाहरी एरिया में होने के कारण यहाँ पर भीड़भाड़ भरा माहौल जो है वो नहीं रहता है। अगर आपको राइडिंग का शौक है और आप जनरल से खतरों के खिलाड़ी हैं तो आपके लिए चूलगिरी का सफ़र जो है वो बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। पहाड़ी रास्ते पर बाइक चलाने का अपना ही रोमांच होता है। फिर पहाड़ी के ऊपर पहुंचने पर आपको मिलेगा शांत और सुंदर वातावरण के बीच स्थित जैन मंदिर, जहां पर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए वीकेंड में काफ़ी लोग पहुंचते हैं। आपको बता दें कि ये एक जैन मंदिर है जो कि बनावट में बेहद ही सुंदर है। यहाँ भगवान महावीर की 21 फुट ऊंची प्रतिमा है और हर साल मई के महीने में यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव का आयोजन भी होता है और मंदिर के दर्शन आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, पहाड़ी रास्ता होने और जंगल से घिरा होने के कारण यहाँ बहुत सुबह और दिन ढलने के बाद जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आपको राइडिंग न करनी हो, बाइक राइडिंग अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो जयपुर शहर से चूलगिरी पहुंचने के लिए आपको घाट की गुणी सुरंग के माध्यम से सफ़र करना होगा। यहां से बहुत ही आराम से आप चूलगिरी की पहाड़ियों की सैर कर सकते हैं, क्योंकि यह है जगह जो है वो शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको पहाड़ी रास्ते पर बनी रोड के ज़रिए लंबी चढ़ाई चढ़नी होगी। आप चाहें तो सीढ़ियों के माध्यम से भी आप यहां पर जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर जो है वहां तक पहुंचने के लिए आपको करीब 1000 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। अब आप बात कर लेते हैं कि आप चूलगिरी कैसे पहुंचें। तो चूलगिरी की पहाड़ियां जयपुर आगरा रोड या कहिए कि NH 11 पर स्थित है। अगर आप जयपुर की सैर पर हैं तो यहाँ ज़रूर जाएँ, क्योंकि किले और महलों से अलग इस राइडिंग का रोमांचक सफ़र बिल्कुल भी आप मिस ना करें। इन पहाड़ियों के घुमावदार रास्ते को पार करने का जितना रोमांच है, उतनी ही रोमांचक तस्वीरें और नज़ारे इस पहाड़ी के जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने पर आपको देखने को मिलती है। दूरी की बात करें तो जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टॉप से चूलगिरी की पहाड़ियों की दूरी करीब 12 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से ये जगह करीब 15 किलोमीटर और जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी करीब 18 किलोमीटर है। तो आप भी इस जगह का आनंद लें और एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करके आएँ।